नमस्कार, मैं प्रमोद कुशवाहा, अभी मैं मोतिहारी में हूँ। मेरे साथ कुंदन रॉय जी हैं, ये नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल मोटिवेटर भी हैं और यहाँ पर इको फ्रेंडली आर्टिस्ट भी हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं कि अभी ये क्या कर रहे हैं और इनकी सामाजिक योगदान क्या क्या है। तो जी कुंदन जी, मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल के माध्यम से स्वागत है आपको। नमस्कार, उनको ये बताइए कि आप इको फ्रेंडली जो बनाते हैं मूर्ति, वो कैसे बनाते हैं? इको फ्रेंडली मूर्तियाँ जो हैं, वो इको फ्रेंडली एक मिट्टी आती है, साढ़ू क्ले उसको बोलते हैं। बेसिकली मैं नागपुर में ज़्यादा बनाया करता था और उसे जो है वो इको फ्रेंडली पेंट आता है, उससे पेंट किया जाता है। जनरली जब मूर्तियाँ बनाई जाती हैं तो आजकल बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाना जो है वो उस पंडाल की भव्यता को दर्शाती है, लेकिन उसके जो हार्म होते हैं जब विसर्जन की जाती है मूर्तियाँ और अगले दिन आप तालाब में जाकर देखते हैं तो नहीं, उसमें सिर्फ जलीय जीव, जबकि मूर्तियों की दुर्दशा देखने के बाद भी बहुत आपको हृदय विदारक हो जाता है। तो ऐसे में अगर इको फ्रेंडली मूर्तियों को बढ़ावा दिया जाए, मूर्तियों का जो साइज है वो थोड़ा छोटा रखा जाए, तो उसकी खूबसूरती पे ध्यान दिया जाए, जीवंतता पे ध्यान दिया जाए, ना कि उसके डील डॉल पे बड़े होने पे दिया जाए, तो बहुत ज़्यादा जो है पर्यावरण को रक्षा होगी, स्पेशली जलीय जीव जो मछलियाँ हैं या बाकी चीज़ें हैं उनके लिए भी और प्रतिमा के लिए भी। मुझे लगता है इको फ्रेंडली जब हम इमर्ज करते हैं तो वो पूरी तरह से पानी के अंदर जो है वो डूब जाती है और वो बहुत अच्छा रहता है जल और इन्वायरमेंट के लिए, भी जी। एक चीज़ और आपके बारे में सुने हैं कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है, तो उस स्थिति में आप कैसे वो कलर को पहचान? मुझे एक्चुअली कई कलर नहीं दिखाई देते हैं और कई बार एम्बैरेसमेंट का भी सामना करना पड़ता है। अगर मैं दुकान में जाऊं और किसी कलर का शर्ट या कुछ मांगता हूं, वो सेम कलर दिखा रहे होते हैं और मैं बोल रहा हूं तो कि मैंने तो ये कहा है, आप ये क्यों दिखा रहे हैं। तो मैं कभी भी कपड़े जो है डार्क कलर के ही पहनता हूं और किसी की पहचान किए हुए ही करता हूं। पेंटिंग भी मैंने छोड़ दिया था जब मुझे पता चला था जब इसमें कैरियर ही नहीं है, लेकिन अपनी छोटी बहन के बताने पे आजकल मैं डब्बों से पढ़ के और पेंट कर लेता हूँ, या मुझे कोई बंदा लगता है जो मुझे बताए कि यहाँ पे ये कलर होगा। हर कलर तो नहीं, पर कुछ खास कलर है, जैसे रेड है, ग्रीन है, ब्राउन है, मरून है, पर्पल है, पिंक है कभी, या लाइटर शेड्स अगर हो जाते हैं तो मैं नहीं पहचान पाता। जब मैं कलर ब्राइटनेस टेस्ट वाली पट्टियाँ को भी देखता हूँ तो आप उसमें डिस्टिंग्विश करेंगे कि क्या क्या नंबर है, लेकिन मैं दो तीन प्लेट चार प्लेट के बाद नहीं देख पाता। ये होता है कलर ब्राइटनेस जिसमें होता है वो बिल्कुल ही सूक्ष्म रूप से उसे पहचान और परख नहीं पाता। लेकिन दो बार डिस्ट्रिक्ट चैंपियन हो चुका हूँ और स्टेट के लिए दो बार सेलेक्ट हुआ हूँ मैं। वाह, कमाल की बात है। और नागपुर में भी 400 साल पुराना मंदिर है, उसको भी मैंने कई सालों तक पेंट किया है जी। कुंदन जी, एक चीज़ बताइए, आपको यहाँ बुलाया गया था ये यूथ मोटिवेटर के रूप में, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं भारत के युवाओं की? मुझे यहाँ पे इंटरनेशनल स्पीकर भी बुलाया गया था, बॉडी भी बुलाया गया था, डेलीगेट भी बुलाया गया था, मैं ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ इस प्रोग्राम का। तो युवाओं को मैं यही संदेश दूंगा कि आप अपनी कमियों से डरिए नहीं, कमियों से लड़िए, उसे हथियार बनाइए और आगे बढ़िए। आज महिलाएं हैं, आज बच्चे हैं, युवा हैं, दिग्भ्रमित है, उन्हें समझ में नहीं आता है कि कैरियर किस स्ट्रीम में सेलेक्ट करें, और वो अपनी कमियों, अगर मैथमेटिक्स से डर रहे हैं तो वो मैथ्स वाला सब्जेक्ट ही ऑप्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह के फियर से फाइट करना पड़ेगा, डरना नहीं, लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। एक चीज़ और, आप कुंदन जी इस कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बेहद खूबसूरत, ये कलाम जी की स्मृति में जो किया जा रहा है, कहते हैं कि आज के दिन को लोग गम में मनाते हैं, लेकिन इस गम को एक पॉजिटिविटी की तरह स्प्रेड किया है मुन्ना भैया ने, बहुत अच्छा लगा। मतलब हम हर चीज़ में, लोग आजकल नकारात्मक एनर्जी देखते हैं लेकिन हर जगह सकारात्मकता है, हर जगह सूर्य जो है वो उदित होता है, लेकिन हम डूबते सूरज को देख पाते हैं, उगते सूरज को नहीं। तो एक नया दिशा है, नई कदम है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खूबसूरती से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डेलीगेट्स बुलाए गए, तो बहुत गौरवान्वित हूँ कि मैं इस कार्यक्रम का एक हिस्सा हूँ। तो साथियों, ये थे कुंदन राय, समस्तीपुर। बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं करते, जिन्हें हो जाती है सर झुका कर चलने की आदत, उनके सर पर कभी ताज नहीं।